अब से पहले जो सरकारें रही हैं वो तो हम ये मानते थे चलो ये मंदिर मस्जिद मानने वाली नहीं है, लेकिन ये सरकार योगी जी की आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, योगी जी की सरकार, प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे योगी जी, उनसे तो हमने आशा करी कि हमारे मंदिर वगैरह का सबसे ज्यादा ध्यान ये करेंगे, इनको कहीं यदि मंदिर अस्त व्यस्त हो रहे उनको पूर्ण पुनर्वो करेंगे। अब हमने यहाँ प्रयास कर लिए, लोग सुनते ही नहीं। शर्मा जी, अभी तक मैंने गांव में देखा आपके, एक तो मंदिर का स्थान था, एक वो थी जो ग्राम पंचायत, ये तीसरी जगह है, ये क्या स्थिति है गांव की, विषय में हम बताइए क्या मामला है जो अधूरा निर्माण हुआ पड़ा है। प्राधिकरण सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई विधायक सुनने को तैयार है, ना ही कोई सांसद सुनने को तैयार है। इसकी एप्लीकेशन लगा चुके हैं, तीनों पंचायत हैं हमारी, एक धर्मशाला है और दो ग्राम पंचायत हैं, न इनमें कोई हालत आपने देखे कितनी जर्जर हालत हुई पड़ी है, और इसको भी एप्लीकेशन दिए, इसकी छत्ती नहीं डली आज तक। क्या कहती है प्राधिकरण? बस रिसीविंग दे दो, अब इसका टेंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा, करना कराना इनको कुछ नहीं है। इतनी जो चुनाई इतनी हो गई भी गांव के लोगों ने अपना आप ही कराई है, उगाई करके इतनी, ये ईंट भी बर्बाद हो जाती जिसके कारण ये ईंट ना यहाँ से और भी ठाक ले जा, इसलिए ईंट लगवाई है गांव में। अरे यहाँ पे नहीं कराया प्राधिकरण ने, 5 साल पहले उनके टेंडर हो गया करके उनको छोड़ दिया। विधायक बसपा का आया हो या भाजपा का आया हो, गांव में आज तक दोनों विधायकों ने दो ईंट नहीं लगाई पालिकाओं के अंदर। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बहुत बढ़िया बाबा दोनों बहुत ही बंद नहीं है तो चलते रहता 4 घंटा बाबा कब धर्म में बोल रहे हैं जय माता रानी बाबा। मैं आज आपके गांव में पाली में आया हूँ, ये मंदिर है काफ़ी अच्छा भव्य बना हुआ है, लोगों का कहना है कि इस मंदिर के अंदर से तो बराबर में जो जगह बनी है मिट्टी उठा लेते हैं लोग, और मिट्टी को अपने शरीर पर जैसे कहीं दाद या खाज खुजली होती है उस मिट्टी को लगाने से ये बीमारी दूर हो जाती है। इसके विषय में हमारे दर्शकों के लिए अच्छी तरह से बताइए कि क्या इतिहास है इस मंदिर के विषय में। देखो ऐसा जब मन से कामना करेगा उसकी पूरी होती है सब, और बाबा के जो भगवत है उससे काम सब भला हो जाता है। रहे जोहड़ की बात, जो बाहर तालाब है उसकी मिट्टी छटती है, नहाने से जो है बीमारी नहीं लगती कोई, हो तो ये है आज इसमें गंदगी है, गंदगी जा रही है, नाली का पानी जा रहा है, सारा टूट रहा है, तब पब्लिक सब परेशान। अच्छा आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये मंदिर है और यहाँ की परंपरा है, विशेष आपके रहने वाले, आप ऐसी गांव के रहने वाले हैं, तो इस मंदिर की विशेष विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या इतिहास है मंदिर का, कौन ऐसे बाबा हैं, किस नाम से पहचाना जाता है। मैं ग्राम प्रधान पाली, हमारा जो सिद्ध बाबा मानसिंह का मंदिर है वो करीब 500 साल पुराना है जी। ठीक है जी, हमारे बाबा जो मानसिंह थे इसी गाँव के थे, है जी, वो सूरजपुर जाया करते थे सिर्फ भोले मंदिर में, वहाँ 101 लोटा जल चढ़ा करके, और जब घर आते थे हम, कुछ दिन बाद इस भक्ति में ही उनकी इच्छा हुई कि भैया अब मैं जो है इस शरीर से छूटना चाह रहा हूँ, उनने यहाँ समाधि ली करीब 500 वर्ष पहले, और उनका यह निजी खेत है, और लोगों ने उन पर मट्टी वो ऐसे ही बैठ गए और बहुत लोग यहाँ बेलों में बंद बंद के आए हैं, बेलों में बंद बंद के दिमाग से पागल, और वो अपनी मर्जी ठीक हो गए, 2-4 रोज रुक के भी हम
दो चार छह रोज रुके हैं, वो बिल्कुल ठीक होकर गए। गांव का चप्पा चप्पा दूर दराज से आए हुए व्यक्ति सब जो जिस मांग लेता उसको ये भला करते हैं, और कोई बीच में बिचौला कोई नहीं है, अब कोई बीच में बताने वाला कोई हो, सीधी मन्नत है, प्रार्थना करो बाबा में जाके और अपनी मंसूरी चल जाओ, मेरा कार्य पूरा हो जाए। आज तक सबका कार्य पूरा हुआ करीब 500 वर्षों से, ना कोई भगत है, ना कोई बताने वाला, ना कोई भेड़ चाल, ना कोई ड्रामा, कुछ नहीं। वायदे की होता है कि कोई बाबा होते हैं धूनी देते हैं, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ढकोसले बाजी बिल्कुल नहीं है। बाबा का मंदिर है सिद्ध बाबा का, जो उनकी समाधि है, उन पर प्रार्थना करके लोग जाते हैं, दूर दराज बनिया ब्राह्मण हर जाति के लोग बाहर से भी यहाँ आते हैं, जिनकी कई कई पीढ़ी जो बहुत जागरूक रखती हैं वो भी यहाँ आते हैं, सीधी प्रार्थना करी और यहाँ भंडारे वगैरह अपनी मन्नत पूरी होने पे लोग अपना प्रसाद बांटते हैं, भंडारा करें जिनका जो कार्य पूर्ण हो जाता है, और कोई बीच में किसी तरह का उल्टा सीधा बताने वाला। साल में एक विशेष दिन आता हो जिस दिन के मेला लगता हो या इस तरह का? साल में जो हमारे दो त्योहार होते हैं दीपावली होली दिवाली, उसमें लोग दूर दराज से प्रसाद चढ़ाने आते हैं, और गाँव में और कुछ लोग चंद नजदीक के लोग वे हमारे संडे में इतवार में हर रोज हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, हर व्यक्ति गाँव का चप्पा चप्पा गाँव का एक जीव समर्पित नमस्कार करके निकलेगा, सरापी मंदिर के दौरान नहीं आएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये मंदिर के बराबर में एक जगह पड़ी हुई है खाली, इसे लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर की जगह है, तालाब के बाबा के सामने जो तालाब पड़ा है बाबा की जगह है, बाबा की जगह, और इसमें लोग मट्टी निकालते थे जैसी परपाटी वह मट्टी लगा लेते थे, तो उससे जैसे खुजली और कई रोग ठीक हो जावे। लेकिन आज स्थिति है कि आज स्थिति बिल्कुल खराब है, गांव का गंदा पानी टैंक उनका पानी जो इसमें जा रहा, और बुरा हाल है इसका। अब जो लोग आते हैं दूर से देख के चले जाते हैं, काफी इसका सौंदर्यकरण का प्रयास करा, एप्लीकेशन वगैरह प्राधिकरण में दी, कोई सुनने वाला नहीं। और अब जो इसका मैंने ग्राम सभा से इसकी बाउंड्री करवाई इधर वाली नाली रोकने को, तो वो भी इस बारिश में टूट गया पानी, फिर उसी में जा रहा पानी उसी में। तो प्राधिकरण ने ये गांव अपने अंदर ले लिया, यहाँ पर पहले प्रधान हुआ करते थे, तब ऐसा विकास की तरफ से कोई विकास नुकसान हुआ, ग्राम सभा खत्म करने से उनका नुकसान हुआ। एक जिम्मेदार आदमी होता तो कम से कम उसके द्वारे जाके कुछ कार्य होते सही, अब वहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं, वहाँ कोई नहीं सुनता, वहाँ जिनका जो लोग है वहाँ चाटुखोर वगैरह उनका बोलबाला, वह कहीं ले लें टेंडर कहीं कर लें। ये हमारी 400 साल पुरानी जो है तालाब का जो है, यहाँ लोग मट्टी खेत जो हमारे निकालने की परपाटी है वो करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं। और यहाँ में 3-4 मकान तो खतरे में और आ रहे हैं, जो इसके बगल में आ रहे हैं पानी भर जाने से, तो हमारी तो खूब हमने गुजारिश करी है कि इसका सौंदर्यकरण हो जाए, पक्का तालाब हो जाए, लेकिन किसी ने आज तक नहीं सुना। अब इन मकान वाले लोगों ने भी प्राव वहाँ दिया, एक एप्लीकेशन दिया हम खतरे में, इसका सौंदर्यकरण करा जाए या पानी रोका जाए, कुछ नहीं, कोई समाधान आज तक नहीं। जगह पड़ी है तालाब की है या बाबा की? ये बाबा के ही तालाब की जगह है, इसमें लोग जो बाबा पे आते हैं वो यहाँ मन्नत मांगते हैं, यहाँ जो मट्टी छींचते थे, लेकिन ये गांव की गंदगी और इस दीवार टूटने सारा अस्वस्थ हुआ पड़ा। अब हम इसका सौंदर्यकरण के प्रयास भी कर चुके हैं कई बार प्राधिकरण में भी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इसका प्राधिकरण द्वारा इसका सौंदर्यकरण हो जाए, बीच में एक तालाब हो जाए, जो लोग उसमें सीढ़ी वगैरह सी बन जाए, जो लोग आके बैठे पूजा करें, यहाँ बैठे पानी निकालें, उस मट्टी सींचे उसमें, हाँ स्नान भी करें, स्नान भी करें, नहा करें पहले। बहुत धार्मिक जगह है बाबा की, तालाब की जगह योगी जी तो वैसे भी बाबा। अब ये प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी जो बैठे हैं वो महात्मा हैं, पर हम फिर भी दुखी हैं। इसका वर्तमान में योगी जी की सरकार है और केंद्र की सरकार भी राज्य सरकार भी धार्मिक स्थलों को विशेष प्रदान दे रही है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जैसा आप बता रहे हैं लोग आते थे, लेकिन आज इसकी जरूरत है। इसके लिए क्या आपने प्राधिकरण के लिए या क्षेत्र के सांसद जी के लिए या विधायक जी लिए अवगत नहीं कराया क्या आपने? हमने बहुत लोगों को अवगत कराया, अब से पहले जो सरकारें रही हैं वो तो हम ये मानते थे चलो ये मंदिर मस्जिद मानने वाली नहीं है, लेकिन ये सरकार योगी जी की आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, योगी जी की सरकार, प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे योगी जी, उनसे तो हमने आशा करी कि हमारे मंदिर वगैरह का सबसे ज़्यादा ध्यान ये करेंगे, इनको कहीं यदि मंदिर अस्त व्यस्त होने उनको पूर्ण
हुनर वो करेंगे। अब हमने यहाँ प्रयास कर लिए, लोग सुनते ही नहीं। क्षेत्र के विधायक जी के लिए बुलाया, कोई नहीं सुनता, कुछ कोई नहीं सुनता। कई बार उन्हें हमने बताया, अगर आप तो हम बड़ी आशा कर रहे थे, हमारे जो है भव्य मंदिर, इसके सामने भव्य तालाब, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मट्टी निकालना करना, जिनके कितने दाद खाद खुजली वो ठीक होते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुनी। और वो तो आई हो रहा है, मगर में बगल जो मकान आ रहे हैं वो भी खतरे पे इसके, और वो हमारी आस्था को तो ठेस पहुंच रही है, जो लोग आवे देख के चले जाए। गंदा पानी सारे गाँव का इधर जा रहा है।